स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 40%। आंसर सी 30%। एक्सप्लेनेशन: अब भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 30% है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और टेलीकॉम जैसी चीनी औद्योगिक वस्तुओं पर भारत की बढ़ती निर्भरता को एक हालिया रिपोर्ट में उजागर किया गया है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से चिंताएं बढ़ी हैं। इसका आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अगला प्रश्न: आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी रविंद्र जडेजा, डी हार्दिक पंड्या। आंसर ए रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 1 जून से USA और वेस्ट इंडीज में शुरू होने वाले आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे जबकि हार्दिक पंड्या को उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न: 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ए साइना नेहवाल, बी PV सिंधु, सी तन्वी लाड, डी नेहा पंडित। आंसर बी PV सिंधु। एक्सप्लेनेशन: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु महिला वर्ग में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में भारत की चुनौती का नेतृत्व करेगी, जबकि सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी एक स्टार जोड़ी बनाते हैं और पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला प्रश्न: किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिल गई है? ए कांडला, बी मंगलौर, सी कोचीन, डी विजिंजम। आंसर डी विजिंजम। एक्सप्लेनेशन: केरल में अदानी के विजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इससे भारत को विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो को एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। अगला प्रश्न: भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? ए उज्बेकिस्तान, बी ओमान, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी कजाकिस्तान। आंसर बी ओमान। एक्सप्लेनेशन: भारत ओमान के साथ आने वाले महीनों में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इससे पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। भारत और ओमान के बीच सालाना व्यापार $13 अरब से भी कम है। ओमान और ईरान के बीच होर्मुज की संकीर्ण जलमरुमध्य का प्रवेश द्वार है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है।